मानसून के चलते संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ता जा रहा है, जिसे लेकर कालाढूंगी सामुदायिक स्वास्थ्य में दिन प्रतिदिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सुधील कन्याल ने बताया कि ओपीडी में रोजाना 50 से 60 ऐसे मरीज आ रहे हैं जिन्हें बुखार, सर दर्द और गले में दर्द की शिकायत है। साथ ही उन्होंने कहा कि डायरिया के भी काफी सारे मरीज मिल रहे हैं, जिनको काफी सारी सावधानियां बरतने की जरूरत है। कालाढूंगी से मुकेश छिमवाल की रिपोर्ट। आजकल जो है काफ़ी ऐसे पेशेंट आ रहे हैं जिनको बुखार है, गले में दर्द है, सिर में दर्द है। ओपीडी में 100-150 में से कम 50-60 पेशेंट ऐसे आ रहे हैं हमारे यहाँ, और हम इनका जो है रूटीन कोविड-19 का भी टेस्ट करा रहे हैं, रैपिड एंटीजन, लेकिन अभी तक कोई भी जो है पॉजिटिव नहीं आया है। और वायरल में यह है कि जैसे कोविड-19 के लिए हम लोग ने प्रिकॉशंस लिए थे, अब थोड़ा हमने उसको छोड़ दिया है। इसके लिए जैसे हाथ को धोना है, सैनिटाइज करना है, मास्क लगाना है।